नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में सो so, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेटेड टू नेशनल कमीशन एंड कमेटीज़ इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम सो so, आज हम आपके साथ स्टडी करने जा रहे हैं हंटर कमीशन बेसिकली सारे के सारे कमीशन स्टडी कर चुका हूं मैं आपके साथ एकदम डिटेल में अब कोई भी आपके पास कमीशन नहीं बचता है सो so, अब इसके मॉडल टेस्ट पेपर हम स्टडी करेंगे बट एक कमीशन था जिसके बारे में थोड़ा सा मुझे आपके साथ डिस्कस करना था तो इसीलिए वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ तो आज का जो हमारा कमीशन है वो है हंटर कमीशन काफ़ी इम्पोर्टेंट कमीशन है बेसिकली ये कमीशन जो है आपके पास लॉर्ड रिपन ने लाया था ओके एंड काफ़ी इम्पोर्टेंट था इसके जो चेयरमैन थे वो थे सर जॉन हंटर जिसके नाम पर इसका जो नाम है वो हंटर कमीशन पड़ा था और ये कमीशन कब आया था आपके पास अठारह सौ ईस्वी में यानी 1882 में ये आपके पास आया था तो जानते हैं कि इस कमीशन में ऐसा क्या टर्म थी जो कि ये इतना इम्पोर्टेंट है इन 1882, लॉर्ड रिपन द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड द एजुकेशन कमीशन कंसिस्ट ऑफ 22 टू मेंबर्स कितने मेंबर थे उसमें आपके पास 22 टू थे एंड उसके चेयरमैन कौन थे डब्लू डब्ल्यू हंटर टू एंक्वायरी इन टू द मैनर इन विच एफर्ट है प्रिंसिपल ऑफ डिस्पैच ऑफ एटीन फिफ्टी फोर जो बुट डिस्पैच आई थी उसके अकॉर्डिंग ये कमीशन था कि किस तरह से ये कमीशन जो है वर्क कर रहा है बुध डिस्पैच उसकी इन्क्वायरी के लिए इसको बनाया गया था अब इसकी रिकमेंडेशन क्या थी आपके पास स्लो एंड ग्रेजुअल विदड्रॉ ऑफ द स्टेट स्पोर्ट एंड मैन एग्रीमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन स्टेट ग्रेटर अटेंशन टू द प्राइमरी एजुकेशन की जो स्टेट्स हैं वो प्राइमरी एजुकेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान दें उसमें उनकी जो बर्नेलियर लैंग्वेज है यानी मातृभाषा है उसको ऐड किया जाए एम्फोसिस ऑफ़ फ़िजिकल एजुकेशन को ऐड किया जाए गिविंग ग्रांट सिस्टम यानि जो इनकम है या ग्रांट्स हैं वो प्रोवाइड की जाए स्कूल्स को यूनिवर्सिटीज़ को एंड प्रोविजन फॉर ऑर्डनरी एंड स्पेशल ग्रांट टू दालज जो मैंने अभी आपको बताया कॉलेज के लिए ग्रांट्स दी जाए इम्फिस अपॉन अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स ऑन द ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन की जो सिटीज़न है उनको भी बताया जाए कि आपका क्या फ़र्ज़ है इंट्रोडक्शन ऑफ वोकेशनल कोर्सेस हायर एजुकेशन सेकेंडरी स्कूल्स में यानी सकेंडरी सिस्टम में जो है वोकेशनल एजुकेशन को इंक्रीज़ किया जाए एक अच्छी बुक्स बनाई जाए मॉरल टेक्स्ट बुक जो है वो फॉर्म की जाए ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल रिलीजन एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड द रिकमेंडेशन फॉर कमीशन एंड डायरेक्टली टू प्रिपेयर ऑफ द एनुअल रिपोर्ट रिव्यू द जर्नल ऑफ़ द एजुकेशन इन इंडिया एंड इसमें जो इसके इफेक्ट्स थे फॉर यूनिवर्सिटी एजुकेशन वो क्या थे आइए जानते हैं ड्यूरिंग द पीरियड एक्सटेंडिंग फ्राम एटीन एटी टू टू नाइनटीन जीरो वन द यूनिवर्सिटी पीरियड हंड्रेड ऑफ ग्रेजुएट्स एंड थाउजेंड ऑफ़ मेट्रिकल्स बट एज दे कुड नॉट गेट द एक्सपेक्टेड एम्प्लॉयमेंट दे बिकम रेवल्ड डिसकोनेक्टिंग एंड पोलिटिकल सो ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा था यूनिवर्सिटी एजुकेशन में इसका फिर आपके पास यहाँ पे फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर इसका इफेक्ट आता है फ्रॉम 1882 एटी टू ऑन वार दिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन पॉलिसी हैज़ बीन एन अकॉइंट अकाउंट ऑफ द प्रोग्रेसिव डोमिनेंस ऑफ द यूनिवर्सिटी ओवर द स्कूल द स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एग्जाम सिस्टम बाज़ इंस्टीट्यूटेड इन दीरियड अब जो स्कूल इन लिविंग सर्टिफिकेट है उसका सिस्टम कहाँ से चला था आपके पास वो आपके पास चला था हंट कमीशन से एंड द एजुकेशन फ्राम कराफ्ट बाज स्टार्टिड मैनी ऑफ द स्कूल एंड क्राफ्ट एजुकेशन को शुरू किया गया था पंजाब में मद्रास में यूपी में हाउ एवर सेकेंडरी एजुकेशन डज नाट मेक एनी रिकमिक रिमार्केबल प्रोसेस जो सेकेंडरी एजुकेशन थी वो इतनी ज़्यादा प्रोसीड नहीं हुई थी इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ इसमें इन द फील्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन अरेंजमेंट वर मेड टू इम्पार्ट इंस्ट्रक्शन इन प्राइमरी स्कूल थ्रो हिंदी और उर्दू मीडियम जो प्राइमरी स्कूल हैं उनमें लैंग्वेज जो है हिंदी एंड उर्दू को प्रमोट किया गया था इंग्लिश प्राइमरी स्कूल्स व लिंक्ड टू हायर सेकेंडरी स्कूल्स जो इंग्लिश स्कूल थे उनको लिंक किया गया विद द हायर सेकेंडरी स्कूल द न्यू प्राइमरी स्कूल बाज डिवाइडेड एंड न्यू प्राइमरी स्कूल थे उनको डिवाइड किया गया लोअर प्राइमरी स्कूल विद इम्पार्ट इंस्ट्रक्शन अप टू क्लास थ्री एंड अपर प्राइमरी स्कूल विच प्रोवाइड एजुकेशन फ्राम द थर्ड टू फिफ्थ के लिए एंड एटीन एटी टू के बाद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मेड सम प्रोग्रेसिव एंड कंसिक्वेंसली अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशन फ्रॉम द हंटर कमीशन द लोकल गंट या गवर्निंग इंस्टीट्यूट बर इंटरेस्टेड विद द मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ दिस स्कूल दिस आर गिवन सम ग्रांट इन एड बाय प्रोवाइडिंग या प्रोविजनल गवर्नमेंट तो बेसिकली ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा था क्योंकि उस टाइम केवल स्टार्टिंग हुई थी बट आपको यही याद रखना है इसमें कितने मेंबर थे ट्वेंटी टू लॉर्ड रिपन ने अठारह सौ ईस्वी में इसको बनाया था एंड इसके चेयरमैन कौन थे आपके पास सर जॉन हंटर जो है उसके चेयरमैन थे जिसके नाम के ऊपर जो है इसका नाम हंटर कमीशन भी आपके पास पड़ा था एंड बाकी इसके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं वो हम पहले ही आपके साथ स्टडी कर चुके हैं तो आप पहले की वीडियो को देख के उसे ज़्यादा वहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं यहाँ पे केवल एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी ताकि हर चीज़ों को दोबारा से हम उनको पढ़ सकें क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था इसको हमने रिवाइज नहीं किया था तो आज एक टाइप का इसका रिवीजन था यहाँ पे कुछ एडिशनल बातें थी जो कि आज हमने आपके साथ स्टडी की जो कि हमने दूसरी वीडियो में स्टडी नहीं की थी सो so, इस वीडियो में इतना ही है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अब इसके बाद हम इसके मॉडल टेस्ट पेपर आपके साथ स्टडी करेंगे सो so, तब तक के लिए थैंक यू हैव नाइस डे